Hey there boys and girls, welcome back to another episode of Pokemon Sword and Shield Crown of Tundra, जहां पर गाइस पिछली बार हम लोगों ने चालू भी किया था अपना क्राउन ऑफ टुंड्रा का एडवेंचर और भाई मजे ही आ गए थे। पहले एपिसोड में हम लोगों ने लेजेंडरी पोकेमॉन स्वीकून पकड़ा था। अगर तुमने गाइस नहीं देखा वो एपिसोड तो जाकर जरूर से देख लेना। मैं थोड़ा सा लेट अपलोड किया था वो वाला बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशूज, सो मेक श्योर यू हैव सीन दैट एपिसोड। पर पिछली बार हम लोगों ने इस केव में भाई एक्चुअली केव नहीं है, मैक्स लेयर बोलते हैं इसको, और यहाँ पर गाइस हम लोगों ने क्या किया था कि काफ़ी सारी मैक्स रेट बैटल्स की थी। उसके बाद लास्ट में जाके हम लोग को लेजेंडरी पोकेमॉन मिला था, पर आफ्टर ऑल दैट भाई यहाँ पर फीनी ऐसे पड़ा हुआ है। देखते हैं भाई क्या हो गया इसको ज़रा, क्यों भैया क्या हो गया? इट हर्ट्स, इट अल्ट्रा मेगा हर्ट्स। निया, वेस्ट माई ट्रैवलिंग निया, आर यू ऑल राइट बडी बॉय? निया ने वैसे हमें ये बताया था कि वो अपने एडवेंचर पर जाना चाहती है अलग से, और मैं इनके साथ जा सकता हूँ फेनी के साथ अपने अलग एडवेंचर पर भाई लेजेंडरी पोकेमॉन ढूंढने के लिए, तो भाई मजा आने वाला है काफ़ी। दिस फाइन जेंटलमैन जेंटलमैन अपीयर्स टू हैव ट्रिप्ड ऑन अ रॉक एंड स्ट्रक हिज हेड। ओ माई गॉड ब्रो, कम ऑन, डोंट बी किडिंग मी, कम ऑन यार, adventures aren't to be taken lightly. I've learned that first hit now. I was just checking to see if my little girl was behind some rocks and look how I ended up. Bhai mere, had ho gaya yaar. Behind some rocks? Is your daughter a roly-coly or sir? Now about it then. Lad, did you find my darling Nia? I did find her actually. Well, there's how it went. Yep, let me tell you the truth. You don't say. So dear Nia set on stain. अवे टिल शी इज हैड हर फिल ऑफ, भाई ये इसका बहुत एक्सेंट अजीब सा है यार, फिल ऑफ दिस डायनामिक्स एडवेंचर स्टफ, यप यप यप, एंड शी वॉन्ट्स टू गेट टू ऑफ अस टू गो अहेड एंड जस्ट क्रैक इन ऑन द ग्रैंड फीनी एडवेंचर। यही है जो वो चाहती है, तो आई डोंट नो मैन, या इट्स अ चॉइस। अगर तुम मुझे लेना चाहते हो अपने साथ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं देखूंगा अपना। यू नो आई बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स वर्किंग आउट द बेस्ट इटर्नी आई कुड फाइंड फॉर माई डियर निया सेक। ओके, but I guess she's at the age when she doesn't want her old man tagging along all the time. Right then, what's your name, kid? Mera naam hai Rishubh. Cheers, Rishabh. My name's Feeny. Feeny, nahi Peony. Okay, Peony. Wait, I've already told you so. Then it's twice as nice to meet you. Oh, isne leak card de diya apna. Nice, thank you. Thank you, buddy boy. Oh my god, he's excited. I am also excited, bro. I am also excited. Let's have ourselves just such a smashing adventure that my dear Nia's be Nia'll be itching to join in the fun. Yes, let's see. Let's have that adventure you're talking about, bro. Now that's an ultra mega great response. Just what I was hoping to hear. Ha ha ha. We're going to have ourselves a real treat of legendary Pokemon hunt. ऐसी बात है क्या? So that's decided. Now then, Rishabh, let's get ourselves to Freezington. It's a town just a short ways off. Time for a strategic planning meeting for Fiony's adventure. I'll fill you in on the details once you get there. I say let us reconvene post here. क्या बोलता है भाई? मेरे को तो आधी बात समझ में नहीं आती इसकी यार, सही बताऊँ तो। Just pulling your leg. Can you imagine if I actually talk like that? Yeah. You do actually talk like that, you know? चलो चलो भाई, इसकी बकवास बंद हो चुकी है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भाई इतनी 4-5 मिनट की बात में क्या हुआ है। तो बेसिकली उसने भाई हमें ये बोला कि चलो ठीक है, जब तक वो अपना काम कर रही है उसको मज़े लेने हैं, लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम जब एडवेंचर करेंगे ना तो उसको भी मज़ा आ जाएगा देखने में, तो वो भी टैग अलॉन्ग करना चाहेगी। तो हो सकता है, मे बी आई डोंट नो, पर हम लोग लेजेंडरी पोकेमॉन काफ़ी सारे देखने वाले हैं, उसने बोला। सो या लेट्स सी अबाउट दैट। पर उसने बोला है कि भाई एक टाउन है फ्रीजिंगटन, वहाँ पर हमें जाना है, काफ़ी पास में है मुझे लगता है। एक्चुअली मैंने मैप पर देखा था एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट नियर। ये तो भाई भागे जा रहा है ब्रो। ओके ओके, थाम्बा थाम्बा ब्रो। ओके, इधर से रास्ता है भाई फ्रीजिंग, ओ फ्रीजिंग टन, ये तो रहा बगल में भाई, एकदम बगल में भाई। टाउन तो नहीं बोल सकते भाई, एक तरह छोटा सा विलेज है ब्रो एक तरह से। सो या लेट्स गेट टू फ्रीजिंग टन, वहाँ पर थोड़ा बहुत लोगों से हम लोग मिलते हैं एंड वहाँ से फिर फियोनी से मिलते हैं और बात बात करते हैं उससे ज़रा कि कहाँ पर हमारा पहला स्पॉट होने वाला है एडवेंचर का। एंड चलते चलते भाई ज़रा से ये भी ले लेते हैं जस्ट इन केस। यहाँ पे क्या है? ओ सीक्रेट पोके बोला ये, अच्छा ओ नाइस। ओके ओके, क्या स्नबिन करके किस तो था ना इसका नाम, पता नहीं भाई, या ग्रबिन था, यस आई डोंट नो, कैलारियन ग्रबिन मे बी, या आई एम नॉट टू श्योर ब्रो, आई हैव नॉट कॉट दिस पोकन बिफोर। कौन सा पोकन है ये? आई थिंक ये भाई इसी वाले सीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, या ओके नेवर माइंड, आई डोंट नो टू कैच इट। अपनी साइकिल लेता हूँ भाई, यहाँ से निकलता हूँ ज़रा,
काफ़ी देख लिया मैंने यहाँ पे पोकेमॉन, तो भाई वो सेम सेम सी आ रहे हैं, वो आइस टाइप वाले, तो मेरे को तो नहीं पकड़ने हैं। लेट्स गेट गोइंग। ओह देयर इज अ सिटी ब्रो, लेट्स गुड। काफ़ी सारे घर वर हैं यहाँ पे। फ्रीजिंगटन क्राउन टुंड्रा, तो खेती के बलबूते पे जीते हैं यहाँ पे लोग, खेती वेती करते हैं। हेलो हेलो, व्हाट हैव वी हियर, अनदर विजिटर? आई एम द मेयर ऑफ द फेयर टाउन ऑफ फ्रीजिंगटन। आई मस्ट से इट्स अ सरप्राइज टू हैव विजिटर्स अराइविंग इन आर आउट ऑफ द वे टाउन वन आफ्टर अनदर। माइट यू बी हियर टू लर्न अबाउट द लेजेंड ऑफ द किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट एज वेल। ओ भाई हमें कुछ लेजेंड सुनाने वाला ही है, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल सुना। नेवर माइंड इट्स हार्डली बेस, क्या आफ्टर ऑल देयर इज अ वेरी देयर इज वेरी लिटिल अदरवाइज टू अट्रैक्ट विजिटर्स टू अ स्लीपी कॉर्नर ऑफ द रीजन, विच इज अ बिट ऑफ शेम रियली। टेल सुना ना भाई क्या हुआ। पीपल कम ऑल दिस वे टू इन्वेस्टिगेट वॉट टर्न्स आउट टू बी अ मियर फेरी टेल, बट सिंस यू हैव मेड दिस जर्नी आई मस्ट ऑफर यू दिस फ्रीजिंगटन स्पेशलिटी एज अ मोमेंटो। क्या दे रहा है हमें ये, बोट नेक स्वेट शर्ट। ओके भाई काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े बदले भी नहीं अपने, मैं सोच रहा हूँ बदल लूँ। द इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन एक्सट्रीमली एंशियंट अकाउंट्स ऑफ द किंग्स अपीयरेंस, हेंस द अनयूजुअली साइज्ड हेड। ओके इफ यू लाइक टू सी व्हाट द किंग रियली लुक लाइक, आई सजेस्ट यू टेक अ लुक एट द स्टैचू बाय द फीट्स इन द सेंटर ऑफ आवर विलेज। ओके तो इनका कोई तो किंग था यहाँ पर जो रहता था, उसका स्टैचू वहाँ पर लगा हुआ है, उसकी शर्ट मुझे शायद उसने दी है। By the by, while you are here in Count Tundra, feel free to let your lead Pokemon out of its Pokeball. Okay, thank you. क्या बात कर रहा है भाई, thank you bro. तो मैं अपने Pokemon को बाहर निकाल सकता हूँ भाई उसकी Pokeball से, ये क्या चीज़ है। Over here, Rishabh. Okay, मैं आता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ मैं। इसने अपना अलग से घर बना रखा है ब्रो। ओके भाई बहुत सारी चीज़ें एक बार में हो रही हैं, पर हाँ भाई हम अपने पोकेमॉन बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे, दैट्स गुड टू नो। आई थिंक आई एम गोना टेक आउट म्यूटू, क्योंकि अभी भाई किसी और को तो मैं क्या ही निकालूँ भाई, फेंट पड़ा हुआ है ये तो, अपना सिंड्रेसो फेंट पड़ा हुआ है। एमटू व्हाट्सअप। ओके तो यहाँ पर कुछ बंदे हैं, इनसे ज़रा बात कर लिया जाए। आई हैव सम लवली गुड्स फॉर सेल। मोमो मिल्क ले लेता हूँ मैं यार, मैं मोमो मिल्क काफ़ी काम आ सकता है हमारे। 20 ले लूँ क्या, 20 ले लेता हूँ, चलो 20 बहुत होने चाहिए। ब्रेड भी है इसके पास। ओके इट कैन यू शू हील ऑल द स्टेटस कंडीशंस। ओके एंड इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर मॉपिंग अप द एक्स्ट्रा करी लेफ्ट ऑन योर प्लेट। अच्छा सही है फिर तो। टेन ऑफ बीन्स एंड बिग पर्ल, नेवर माइंड, वी डोंट वॉन्ट ऑल दिस ऑल दीज थिंग्स। सो या हे आंटी जी व्हाट्सअप, अ विलेज में नॉट बी द लाइवलीस्ट प्लेस बट डू हैव अ रिलैक्सिंग स्टे एंड एन्जॉय द साइट्स। आई सपोज दिस नॉट मच टू सी बिसाइड्स दैट ओल्ड स्टैचू बट एन्जॉय द वन साइट एनी वे। ऐसा क्या। ओके और अंकल जी क्या चल रहा है आपका। ऑल आर यंग्स हैव बीन गॉन ऑफ टू लिव इन द बिग सिटी, इट्स टफ फॉर अस ओल्ड फोक्स गेटिंग बाई विथ ओनली आर पोकेमॉन। सही बात है यार, बिल्कुल बात सही करी आपने, इनको अकेला रहना पड़ रहा है बेचारे बूढ़े लोगों को। ओए पागल हो गया क्या हमारे, मैं सुनो भाई पागल हो गया भाई, बचा लो मेरे को कोई यार इससे। द हेल ब्रो मेरे पीछे कैसे दौड़ रहा था वो, कम ऑन मैन, स्पेयर मी ब्रो स्पेयर मी, मुझे नहीं पकड़ना भाई तुझे। ओके यहाँ पे कुछ, ओ भाई पकड़ लेगा ये मेरे को, बच गया। यहाँ पे ओके यहाँ पे पोकेबॉल पड़ी हुई है, कहाँ गया तू म्यूटू, जल्दी आ। ओके मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ क्या, मेरे को जाना नहीं है भाई, वो नीडोरान वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे तो क्या बात है। ओके मेरे को यहाँ पे नहीं जाना है, मैं वापस सिटी में जाता हूँ भाई, फ्रीजिंगटन में ज़रा जाया जाए। मे बी यू वुड बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग सम कैरेट सीड्स एट सुवेनियर। ओके कैरेट सीड्स का पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, पर ओके वेल वाई नॉट, यू ब्रिंग मी 8 पीसेज ऑफ डायनाइट ओवर एंड आई विल गिव यू द सीड्स। व्हाट ब्रो लाइक 8 पीसेज ऑफ डायनाइट ओवर, व्हाई। ओके नेवर माइंड भाई, दे देता हूँ मैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। दिस इज प्लेंटी, नाउ वी कैन बरी द ओर इन आर फील्ड्स एंड मेक आर क्रॉप्स यूज। ओके थैंक, आई मीन इट इज़ गुड फॉर देम ऑल्सो राइट, उनका भी फायदा हो रहा है। देर आर द सीड्स एज प्रोमिस्ड, बैग ऑफ कैरेट सीड्स, पर मैं इनका करूँगा क्या। सीड्स वी प्लांटेड इन अ फील्ड, द काइंड ऑफ कैरेट यू विल गेट इज डिटरमाइंड बाई विच फील्ड यू प्लांट सीड्स इन। ओके तो अभी एक्चुअली हमारे काम आ सकता है ये। ओ वेट अ सेकेंड, ये दोनों फील्ड्स खाली पड़े हुए हैं तो मैं इनमें लगा सकता हूँ ब्रो। ओके
मैं गाइस थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ, मैं तुम लोग का सजेशन लेने वाला हूँ इस चीज़ पे कि मुझे कहाँ पे प्लांट करना चाहिए, फिर मैं जाके प्लांट करूँगा। और ये भाई वो स्टैचू जिसकी वो लोग बात कर रहे थे, इट्स अ स्टैचू ऑफ पोकेमॉन, बट समहाउ इट फील्स एज इफ इट्स मिसिंग समथिंग। ऐसा क्या मिस कर रहा है स्टैचू ये? हो सकता है हमें कुछ मिल जाए इसमें से। यार इसके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है आई थिंक उसकी बॉडी टूटी हुई है भाई स्टैचू पे। हाँ ओके, बट या आई ट्राई टू लाइक फिक्स दैट स्टैचू, क्या पता भाई हमें कोई पार्ट मिल जाए उसके स्टैचू का तो हम फिक्स कर पाएं। ओके यहाँ पे एक पोकल पड़ी है, ये भी जरा उठा लिया जाए। यू व्हाट यूटिलिटी अम्ब्रेला, द स्टडी अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अ होल्डर फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ रेन ओके एंड सनलाइट ऑल्सो नाइस। तो यहाँ पर क्या है ब्रो, काफ़ी नए नए प्रकार के घर दिख रहे हैं। ओ बेल्डम नाइस, तो भाई मेटाग्रोस आ गया क्या अब, क्या बात है ब्रो। एनी वन होम, कोई घर पर दिख तो रानी है भाई, ऐसे कैसे किसी के घर पे घुस गया मैं, व्हाट लॉल मैन। ओके इधर जाता हूँ मैं, इधर भाई आने को बोल रहा था वो, तो चलते हैं, चलो देखते हैं ज़रा क्यों बुला रहे हैं हमें यहाँ पे। पियोनी तेरा घर है क्या ये? हाँ हाँ हियर यू आर, दिस पोकी लिटिल प्लेस विल बी आर लॉजिंग्स। नहीं इसका घर नहीं है भाई, ये कुछ और ही है। ओ वेट अ सेकंड भाई, ये क्या पड़ा हुआ है? डोंट टेल मी भाई ये उस स्टैचू का पार्ट है, बट एज ऑफ दिस मोमेंट इट्स ऑल्सो समथिंग फार मोर इम्पॉर्टेंट, आर बेस कैंप। आई नो नॉट मच ऑफ अ बेस कैंप इज इट, स्टिल वी हैव गॉट टू गेट इट प्रॉपर एयर ऑफ इम्पॉर्टेंस हैवंट वी। राउंड हेयर दे हैव गॉट अ फेयर फ्यू स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस लेजेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूज हेडेड पोकेमॉन नोन एज द किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। ओके तो भाई एक पोकेमॉन जिसका बहुत बड़ा सिर है जिसको बोला जाता है किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, जो कि भाई मेरे को लगता है नाम से ऐसा लग रहा है कि मतलब जो खेती है उसको अच्छा कर देता है उनकी। नॉट टू मेंशन अ मैसिव रेड ट्री वेयर लेजेंडरी फ्लाइंग पोकेमॉन गैदर एंड फर्दर मोर दिस ग्रेट हल्किंग डॉट फेस्ड जायंट्स दैट स्लीप इन सम रूइंस और समथिंग एटसेट्रा। सी व्हाट आई मीन, दिस प्लेस इज जस्ट बर्स्टिंग विद जूसी लेजेंड्स एंड वी आर नॉट स्टॉपिंग अंटिल वी हैव फाउंड जस्ट हाउ मच ट्रूथ दे हैव गॉट टू देम। And there you have it. We are the Peony Exploration Team. बिल्कुल सही है भाई, मज़ा आएगा यार मतलब explore करने में भाई ये सब चीज़ तो। And that is a grand, noble, magnificent goal. भाई तो मेरे को ये बता ये क्या रखा हुआ है भाई? So here's to a grand adventure expedition, Chief Rishabh. Chief? Obviously. Look, what do you think would happen if the two of us went gravitating off together? My dear Nia would come along for a grand emotional reunion and find this place. Just the thought of it, my own darling daughter sitting alone in this room. Ah, nope, not on my watch. I'd never let it happen. मेरे को लगता है यार इन्होंने डायलॉग्स बहुत ज़्यादा ही ऐड कर दिए हैं, लोग थोड़ा शॉर्ट में ख़त्म कर सकते थे। इन्होंने फनी बनाने के लिए ज़्यादा डायलॉग्स ऐड किए हैं, विच आई थिंक इज़ ओके, बट इट काइंड लाइक ब्रेक्स द what do I say man, breaks the hype थोड़ी ब्रेक हो जाती है बीच में, तो इतने डायलॉग ऐड नहीं करने चाहिए थे, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। सो आई विल बी द होल्ड डाउन द फोर्ट चीफ, अच्छा विच मीन्स यू गेट द प्लेजर ऑफ बींग द एक्सपीडिशन चीफ विच मीन्स विच ब्रिंग्स मी टू दिस, गो ऑन हैव इट। ओ एक्सपीडिशन यूनिफॉर्म गाइज, ओके ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हम तो भाई पूरे पियोनी की तरह लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं भाई हम लोग एकदम। लुक एट दैट, फिट्स यू लाइक अ ग्लव। चलो भाई बहुत ही बढ़िया यार, एक बार ये अपनी बातें खत्म कर लेता हूँ, मैं बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या इसने बोला है हमें अभी। एंड इफ यू एवर नीड टू चेंज और हैव अ केप बाई ऑल मीन्स जस्ट हिड इन टू माई बेडरूम बैक देयर। ओके 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 ओ लेजेंडरी क्लू वन, ओ ओके ओके ओके, अ क्लू अबाउट द किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, इट्स रिटन बाय पियोनी एंड ओल्ड फोटो इज अटैच टू इट। ओके तो गाइज तुम देख रहे थे कि हॉर्स पे वो बंदा, मैं बोल रहा था ना बंदे का आधा सिर कटा हुआ है भाई, वो बंदा नहीं एक्चुअली मेरे को वो भी पोका नहीं लग रहा है और वो उसके ऊपर ऐसे दिखना चाहिए। देयर इज अ फेरी टेल इन फ्रीजिंग टेल अबाउट द लेजेंडरी पोका नोन एज द किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, इन द लेजेंड्स द किंग इज सेड टू वेयर अ मैसिव क्राउन ऑन इट्स हेड but the wooden statue near the field in the middle of the village shows no sign of a crown. okay legendary clue 2, to sare clue abhi de dega kya hame ye? I think so. it's written by Peony and has unique drawing. okay king legend of giants
Far, far into the giant's bed lies a temple where the giant of stone sleeps. On the temple's door are strange words. Let the mon exchange one. The door remains firmly shut. अच्छा ओके, तो भाई चार जाइंट्स होने वाले हैं ऑफकोर्स, क्योंकि अरे मेरे को लग रहा है ये रेजी गीगस वगैरह की बात कर रहा है अभी. ओके द डोर रिमेंस फॉर्मली शट, तो हमें भाई वर्ड्स ढूंढने हैं कि क्या मतलब फिल करना है हमें इनको. नियर वेयर ग्रीन मीट्स स्नो इन द जाइंट्स बेड लाइज ब्ला 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 ब्ला. ओके ठीक है, तो मैं समझ गया भाई, मतलब हमें ये सब पूरे करने हैं और ये हमारे लेजेंडरी क्लू 3 मिल गया भाई हमें, जिसके अंदर क्या है बर्ड पोकेमॉन के बारे में है. इट शाइन्स डायरेक्टली डाउन अपॉन अ ग्रेट ट्री विथ लीव्स दैट सीम टू बर्न. इट इज देयर दैट द लेजेंडरी विंग कम टू रूस्ट. ओके 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 ओके, व्हाई नॉट हैव अ लुक एट द क्लू अबाउट द किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट. ओके ओह ये क्या है भाई, द सीक्रेट वांट्स ऑफ सोविनियर एंड शीड. भाई ये तो मस्त लग रहा था भाई, उसके सिर के बारे में बात नहीं किया. डू यू वांट टू चेंज बैक टू योर यूजुअल क्लोथ्स. नो भाई, कम से कम एक्सपीडिशन तो मेरे को इन क्लोथ्स में करना है ब्रो. मास्टर बॉल दे दी इसने हमें, व्हाट आई मीन दैट मेक सेंस, क्योंकि हम लेजेंडरीज पकड़ने जा रहे हैं तो मास्टर बॉल काम आएगी. दिस इज सपोज टू बी वन अल्ट्रा मेगा कॉर्कर ऑफ अ बॉल. थैंक यू मैन, थैंक यू. चलो भाई बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ पे सिर पड़ा हुआ है भाई, इसके बारे में क्यों नहीं बताया तूने मुझे यार. यही तो है वो क्राउन जो कि वहां पे लगेगा. माई पिलो स्कॉट, भाई तेरा पिलो नहीं है ये, पागल आदमी तेरा पिलो थोड़ी ना ये. ओके इसको भाई कहीं से तो भाई इनमें से मिला ही है, पर कैन आई हैव इट ब्रो. यू वॉन्ट मी टू हैंड ओवर माई अल्ट्रा मेगा कम्फी पिलो. यस आई वॉन्ट यू टू. अगर तेरे को एडवेंचर सॉल्व करना है तो भाई ऐसे ही होगा भाई. ओके हाँ अल्ट्रा मेगा, सीरियसली दिस इज जस्ट सम ओल्ड थिंग आई फाउंड, हु एम आई टू रिफ्यूज. ऑल राइट गो एंड देन हैव इट. थैंक यू ब्रो, थैंक यू. चलो भाई कम से कम इसने हमें दे दिया. मैं बता रहा हूँ यार, ये उसी चीज़ का है. वुडन क्राउन क्यों है पर ये, मेरे को लगा स्टोन क्राउन. ओके नेवर माइंड, स्टोन क्राउन नहीं है, वुडन क्राउन है, बट नेवर माइंड. तो इसको जाके हम लोग जरा फिक्स कर देते हैं ब्रो. अब हमारा लगता है एक्चुअल एडवेंचर चालू होने वाला है इन द क्राउन ऑफ टुंड्रा ब्रो. ओ यस देयर इज अ ट्री. ओके ओ देयर इज अ श्राइन भाई ऑफ द जायंट. ओके यहां पे भी एक और पेड़ है, पता नहीं किस चीज का पेड़ है पर लुक्स अमेजिंग. ओ भाई हमारा एडवेंचर गाइस अब असल में चालू होने वाला है, क्या बात है. और इसको मैं जरा कंप्लीट करता हूँ ब्रो. मेरे को लग रहा है नया मिथिकल पोकेमॉन जो आया है ना भाई, वो है यार ये, इसका नाम मैं भूल गया भाई क्या था यार, पर कुछ तो भी अच्छा सा ही था भाई, पता नहीं मेरे को भी याद नहीं है यार. पर हाँ ये नया मिथिकल पोकेमॉन गाइस आया है, वो है लगता है. ओके देयर वी गो. यस अब हुआ ना भाई स्टैचू कंप्लीट ब्रो. द वुडन क्राउन फिट परफेक्टली ऑन द स्टैचू. वेट व्हाट, ये कैसी आवाज थी. ओ भाई साहब ये इधर क्या कर रहा है. यही तो है वो पोकेमॉन जो कि भाई ये बैठा हुआ है इस पे घोड़े पे. डज इट वांट यू टू फॉलो इट. ओके हेलो देयर, कौन है भाई तू, क्या नाम है तेरा. इट सीम्स एज़ इफ द मिस्टीरियस पोकेमॉन वांट्स टू टेस्ट योर स्ट्रेंथ. ओके वेट अ सेकंड, डू यू वांट टू रेडी अ पोकेबॉल. यस आई वांट टू. एक सेकेंड, इतनी जल्दी हमने लेजेंडरी पोकेमॉन 1 ढूंढ लिया ब्रो, आर यू किडिंग मी. ओके इसका मुझे अभी तक नाम भी नहीं पता यार. ओके 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 आई थिंक अभी बस हमारे स्ट्रेंथ चेक करना चाह रही है अभी. एक्चुअली हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं पर कोई बात नहीं. ओ यार इसका नाम लेवल पता नहीं, कुछ नहीं बता रहे यार ये लोग तो. द कीपिंग इट अ सीक्रेट. एक सेकेंड, अगर मैंने अपनी अल्ट्रा बॉल मैंने अगर अपनी क्विक बॉल फेंकी तो. ओके ओके अभी नहीं फेंकने देगा मेरे को ये अपने ऊपर. ओके फाइन नो प्रॉब्लम, मैं यूज करता हूँ साइकिक भाई. मैं देखता हूँ जरा किस टाइप, मेरे को टाइपिंग ही नहीं पता यार इसकी, मैं क्या करूँ भाई. एक दो अटैक यूज करेगा तब इसकी टाइपिंग पता चलेगी हमें. ओके ये भी साइकिक यूज कर रहा है, दैट इज स्ट्रेंज. मैं फाउल प्ले यूज करके देखूँ क्या फिर, नहीं शैडो बॉल यूज करके देखता हूँ मैं, क्या पता इससे कुछ मजेदार अटैक हो. ओ यस भाई साइकिक टाइप है ये, साइकिक टाइप लग रहा है मेरे को ये.
वेल वी डिफीटेड हिम एटलीस्ट, तो स्ट्रेंथ तो शायद उसको पता चल गई होगी मेरी, भाई काफी स्ट्रेंथ है मेरी भाई साहब। ओ खुश है भाई वो। रून राउ क्रा, डिड यू हैव फन? मजा तो आया यार उसको, क्या बात है यार, हमने दोस्त बना लिया भाई अपना नया। क्राउन क्राउन, ओ व्हाट्स अप, आई हर्ड अ बिग रकस कमिंग फ्रॉम ओवर हियर। व्हाट्स दिस नाउ चीफ, वेर यू हैविंग अ पोकेमॉन बैटल? हाँ, व्हाट अ मैसिव नॉगिन। ओके गायब होने वाला है, मेरे को लगा ही था भाई, मेरे को लगा ही था। ओ भाई गायब नहीं हुआ, इसके मुंह पे आ गया वो तो। व्हाट व्हाट्स दिस, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ व्हाट इज हैपनिंग। ओ यस, अ स्टर्डी बॉडी जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड। ओ बाप रे, इसने उसकी बॉडी पर थोड़ी देर के लिए पॉजेस करा है भाई, जिससे वो उसे बात कर सके। भाई क्या चल रहा है ये कैसे पोकेमॉन है भाई। आई होप ही डिडंट माइंड, ही डजंट माइंड दैट आई मेक यूज ऑफ इट फॉर द टाइम बीइंग। आर यू द पोकेमॉन? ओ आई सी यू हैव ग्रास्प द सिचुएशन ऑलरेडी, वेरी एस्ट्यूट ऑफ यू। ओके ओके भाई, ये बंदा बात कर रहा है। कैलिरेक्स, माई नेम इज कैलिरेक्स, आई एम द वन हु इज नोन एज अ king of bountiful harvest. I have borrowed this man's body in order to thank you in person, so to speak. Indeed, there are no words to adequately express my gratitude toward you for restoring my statue. Achha, isliye hame dikhai de rahi hai. In days long past, I reigned over these lands as king. The humans offered me their loyalty and respect, and I was able to bring lush vegetation to the land and give them plenty harvest year after year. However, it seems that over many many years the people of this land have forgotten my existence. Arre yaar kitni sad baat hai bhai. They used to make offerings to me every year, but even that tradition has long been lost to the ravages of time. Arre yaar. You see, it is the faith of people that grants me strength, and now I've lost all but a fraction of my former power. Even my loyal steed has abandoned me. However, you were kind enough to restore my statue. That act has returned some strength to me. At least to speak to you by borrowing the body of another. Now, kind-hearted human child, I have a favor to ask you. कुछ भी पूछ ले भाई तू, ऐसे में को कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या चाहिए तुझे? I must know once and for all whether the people have truly forgotten about me. I wish you to speak to the villagers and ask if they remember the king of bountiful harvest. I have tried asking them myself, you understand, but they treated me like some sort of fairy tale creature or flew into a mild panic at the sight of me. Please, kind-hearted human, I beg you to help me. Yaar bhai, you jotted down the current status on legendary clue 1. Okay. Bhai, मैं बस तुम्हारा एक मिनट लेना चाहता हूँ ये सब बताने के लिए कि क्या चल रहा है। और फियोनी को अभी तक इसने अभी तक प्रोसेस कर रखा है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू भाई क्या चल रहा है। तो फियोनी ने हमें काफ़ी सारे लाइक क्लूज दिए थे, लेजेंडरी क्लूज, जिसकी मदद से हम लोग लाइक लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढ सकते थे। पर जो पहला क्लू हमें मिला था वो भाई एक्चुअली यही था कि हमें स्टैचू को ठीक करना था। और ये भाई सेलरिक्स नाम बोला शायद इसने अपना, कैलिरेक्स जो भी था, इसने भाई यहाँ पे आया है यहाँ पे, और ये हमसे जानना चाहता है कि क्या लोग इसको भूल चुके हैं, क्योंकि पहले लोग इसको बहुत पसंद करते थे भाई। ये यहाँ पे हार्वेस्ट लेके आया था, अच्छी खेती कराई थी इसने लोगों की, पर लोग इसको धीरे धीरे भूल चुके हैं, और ये हमसे मदद मांग रहे हैं ये देखने के लिए कि हैव दे एक्चुअली फॉरगॉटन अबाउट हिम। तो हम अभी जाके पूछते हैं भाई ज़रा लोगों से कि भाई कहीं तुम सच में तो नहीं भूल गए भाई इसके बारे में, क्योंकि भाई बंदा तो बड़ा सही लग रहा है मेरे को यार। You want to know about the king of bountiful harvest? All I can tell you is its name. I think it was called Calvin. Or was it Calista? अरे यार इनको तो पता भी नहीं भाई उसका नाम क्या है यार। Come on man. कितनी गलत बात है। I used to believe it was real, you know. I was told that if I made mischief in the fields, the king would steal my body away. The Pokemon king? Oh sure. My grand used to tell me stories about it all the time when I was kid. यार इनको टेल लग रहा है यार ये, बोलो। इनको फेरी टेल लग रहा है भाई। वेल इफ इट एग्जिस्ट वाई डजंट इट हील द लैंड अराउंड हेयर सो वी कैन ग्रो क्रॉप्स फॉर अ चेंज।
भाई उसके पास पावर नहीं बची है यार, उसके पास पावर नहीं बची है कि वो कर सके ये सब। आई एम रादर बिजी डूइंग नथिंग राइट नाउ। बहुत ही बढ़िया आंटी, बहुत ही बढ़िया। ये नहीं कि मेरी मदद कर दो आप थोड़ी सी। ओके इनसे मैं ज़रा बात करके देखता हूँ भाई ये कौन है। डू आई रिमेंबर द किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट? वेल ऑफकोर्स आई डू। इट्स ओनली द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ अ लवली फ्रीजिंगटन। आई इमेजिन वी वुड सी मोर विजिटर्स इफ द ओनली किंग वॉज इफ ओनली द किंग वॉज रियल। ओके तो मैंने सब लोगों से पूछ तो लिया है। कैलरेक्स के पास मैं वापस से जाता हूँ और उसको बताता हूँ भाई कि लोगों को याद है उसके बारे में, पर यार लोग बिलीव नहीं करते कि वो सही लाइक वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। विच इज़ सैड टू बी ऑनेस्ट, सैड मैन, लाइक रियली सैड। यू मैन चाइल्ड आई ट्रस्ट यू वर एबल टू स्पीक टू द विलेजर्स। हाउ वॉज इट? डिड से एनीथिंग अबाउट मी? दे डिड बट या इट इज़ एज आई सस्पेक्टेड। Nobody truly believes that I'm real. कितनी बुरी बात है भाई। It seems the Pokemon of this land have indeed forgotten the bond they once shared with me. Oh no, of course I'm not grieving. I'm the king of bountiful harvest after all. This proves beyond doubt that I cannot simply rely on humans' faith if I want my powers to return. If only my loyal steed were to return to me, I would regain something of what I have lost. Is that a Pokemon? हाँ भाई मतलब इसका जो घोड़ा है वो कौन है actually? The four-legged Pokemon that I used to ride all across the land. ये कौन सा Pokemon है भाई? कौन सा Pokemon है ये? मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ bro. The very same Pokemon that my statue in the village shows me riding. Okay, पर कौन था वो? Even if we should succeed in locating my loyal steed, I have my doubts as to whether it remained well. लॉयल पर लॉयल क्यों नहीं रहेगा यार वो? अगर तुमसे प्यार करता था, अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था तो ऑफकोर्स वो लॉयल रहेगा यार। आई हैव लॉस्ट सो मच पावर, परहैप्स द विलेजर्स नो समथिंग अबाउट माई करेंटली नॉट सो लॉयल स्ट्रीट। आई वुड बी इन योर डेप्थ इफ यू कुड स्पीक टू द हेड ऑफ द विलेज ऑन माई बिहाफ। इफ यू आर एबल टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन एट ऑल, आई आस्क दैट यू लेट मी नो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं तुझे बताऊं कहां पे यार, अब तो तू चला गया यार। ओके पियोनी, पियोनी वापस आ चुका है। आई मस्ट हैव फॉलन असीप वेयर आई स्टूड, सॉरी अबाउट दैट चीफ। स्टिल आई फील स्ट्रेंज, लाइक माय बॉडी इज नॉट क्वाइट माय ओन। गेस आई विल हेड बैक टू बेस एंड गेट सम रेस्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, तू रेस्ट कर। अभी मुझे यार यहाँ के लाइक मेन जो मेयर है उससे बात करनी है यार, और उसे भाई पूछना है कि कहाँ हो सकता है उसका रॉयल स्टीड। द मेयर इज नॉट होम एट द मोमेंट। We went to have a look at the fields and the giant bed. It's a giant's bed, okay. You can go look for him if you are in a hurry. Okay, तो मुझे इधर जाना पड़ेगा क्या? Go through Frost Point field and just keep going to the left. Okay. तो भाई वो giant's bed पे गया हुआ है क्या? यार मैं तो उसके घर पे जा नहीं सकता क्या? Doors locked है भाई. Okay. तो वो giant's bed की तरफ गया हुआ है। यहाँ से था क्या? हाँ, I think यहाँ से था। ओके, देखते हैं गाइस, देखते हैं। मेरे को लगता है एक और पोकेमॉन लाइक लेजेंडरी पोकेमॉन शायद हमें मिल जाए अगर हम वहाँ पे जाएं तो। वो देखो वहाँ पे पेड़ भी है एक बड़ा वाला, जहाँ पे लाइक बोल रहे थे लेजेंडरी बर्ड्स आती हैं। ओके, क्रीम स्नाल मिल रहा है भाई यहाँ पे पड़ा हुआ। ये क्या है? ओके, यार काफ़ी से नए नए पोकेमॉन दिख रहे हैं भाई यहाँ पे तो। ओके ओ वेट अ सेकेंड, वॉट इज दिस? ओ भाई ये वो जाइंट वाली जगह है ब्रो, ये तो जाइंट वाली जगह है यार। मेरे को स्ट्रेट लेफ्ट लेना था क्या यार? मेरे को लगता है मेरे को यहाँ पे नहीं आना था क्या? मेरे को लगता है मेरे को और आगे जाना था ब्रो। या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, पर मैं अभी फ़िलहाल भाई फालतू में एक साथ सारे लेजेंडरी इन्हें पकड़ना चाहता। थोड़ा टाइम लेके पकड़ेंगे अपन लोग यहाँ पे। तो मेरे को बोला गया था कि मैं सीधा जाऊँ यहाँ से, आई विल जस्ट डू दैट। ओ बाप रे कितने रुइंस है यहाँ पे तो ब्रो। ओके रुइंस वाली जगह पे आ चुका हूँ मैं। नाइस, ये है क्या मेयर? ओ आई थिंक आई फाउंड द मेयर मैन, आई थिंक आई डिड। या हाँ, दिस फील्ड इज नॉट गुड ईदर, द सॉइल इज बैरन, नो क्रॉप कुड पॉसिबली ग्रो हेयर नाउ। परहैप्स द लैंड्स ऑफ क्राउन टुंड्रा ट्रूली आर बियॉन्ड होप। वेल दैट्स सैड। व्हाट्स दिस? ओ अ डियर विजिटर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर?
You want to learn about the royal steed of the king of Bountiful Harvest? Yes, I want to, bro. बता बता, come to my home in Frizzington. It's better if we chat there. Okay, okay. मैं आता हूँ. Okay, boys, we are back at Mayor's house. Have you seen what's happened to the statue of King of Bountiful Harvest? Its head has become massive. You say that's the way the king's supposed to look? Now that you mention it, it does resemble the design on our town souvenir shirts. But you speak as if you've seen the king with your own eyes. Yeah, kind of. The statue has been broken since I was a child. Achha, bahut time se broken hai, bro. Oh, of course. You wanted to learn about the loyal steed of King of Bountiful Harvest. Well, I don't know why you would be interested in such thing, but come follow me then. आता हूँ भाई, इससे आज बात करके रहेंगे और कुछ पता लगा के रहेंगे, मजेदार सा. An old book I read long ago said that the king's royal steed was particularly fond of a certain special vegetable. But my memory isn't what it used to be. I can't recall what exactly the steed so desired. I think it's best you search in that bookshelf. Okay. I think भाई ज़्यादातर मेरे को लग रहा है carrots ही होंगे, क्योंकि मेरे को carrot seeds भी मिले हैं, तो होना तो वही चाहिए. Let me see. There are all kinds of books about Crown Tundra, King of Bountiful Harvest, King. हाँ, ये Proud Steed के बारे में मुझे पढ़ना है. Okay, the two even became one for a time, combining their strength to create a forest in a single night. This proud steed had been a wild thing once, ravaging the village crops and causing much woe. But the king, in its greatness, bought this fierce creature to heal and secured its loyalty. And for each among us who claims the steed's hide was black, there is another who claims it was white as a block of ice solid. तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो एकदम ब्लैक दिखता है, कुछ लोग बोलते हैं वो एकदम वाइट दिखता है. ये क्या अजीब बात है. ऐसा है क्या कि स्वॉर्ड में अलग दिखेगा और शील्ड में अलग दिखेगा? ऐसा हो सकता है भाई. मेरे में तो भाई एक ही कलर दिखेगा. अगर दूसरा कलर देखना तो भाई FFG की वीडियो में जाके देख लेना, वो दिखा देंगे तुम्हें दूसरा वाला. नन अलाइव कैन नाउ से विच इज़ द ट्रूथ. वुड यू लाइक टू चेक एनी ऑफ दीज अदर बुक्स? यार मुझे चेक तो करना है, पर अभी मेरे को यार एक्चुअली ये देखना है कि यार कहाँ पे हो सकता है वो. भाई मेरे को ज़्यादा कुछ क्लूज नहीं मिले यार. वेल गाइस, आई डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ क्लूज देयर, बट या अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करूँ, अगर मैं इससे बात करूँ तो मे बी नहीं. ओके, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा तो क्या मैं उससे बात कर पाऊँगा? लेट मी सी, कैसे बात करूँ मैं उससे यहाँ पर? तो भाई बात नहीं कर सकते उससे फिर से. खैर गाइस, जो भी है, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस एपिसोड. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड. गाइस थोड़ा लंबा हो तो कोई बात नहीं भाई, तो मैं तो वैसे भी लंबे एपिसोड्स पसंद हैं, सो दैट्स फाइन. बट या होपफुली गाइस अगले एपिसोड में हम लोग को रॉयल स्ट्रीट जो है वो मिल जाए और पता चल जाए कि भाई कौन है, ब्लैक कलर का भाई कि वाइट कलर का है, पता नहीं कैसा होने वाला है, बट इट्स गोना बी ऑसम, दैट्स ऑल आई नो. तो अगर भाई मज़ा आया हो तो भाई लाइक मार देना. पहले एपिसोड पर भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, सो आई जस्ट होप कि भाई इस एपिसोड में भी सबको इतना ही मज़ा आए. लेट्स एम फॉर लाइक 10,000 लाइक्स मे बी. सो या बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट.